Yes, a very good morning to all of you. First, we will take your attendance. Keshvi, present. Pooja, Pooja is present. Kirmi Chaudhary, Bhumika Goyal. पटेल ओम, स्टेफी, प्रियंका, निराली चौधरी, अनिरुद्ध, ध्रुव चौधरी, लीजा गामित, साहिल शेख, खुशबू, यस सब लोग आ गए। किरमी, अनिरुद्ध, ध्रुव, प्रियंका, पूजा, भूमिका, साहिल, स्टेफी, ओम, केशवी, खुशबू, निराली, लीजा। तन्वी अग्रवाल, तन्वी अग्रवाल हैज ऑल्सो ज्वाइंड। ओके, यस आ गए सब लोग। आज कम आए, क्या बात है। एंजल गामित हैज ऑल्सो ज्वाइन।
यस चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल के होमवर्क में किसी को कोई डाउट है तो बता दो। यस कल के होमवर्क में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो लेट मी नो, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड। एनीवन? ये लेफ्ट कौन कौन हो गया मीटिंग से? यस कल के होमवर्क में किसी कोई डाउट है तो बता दो बेटा, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं, नया टॉपिक हमारा जो था वो कंटिन्यू करते हैं। इफ देयर इज नो डाउट देन वी विल मूव फॉरवर्ड। होमवर्क सबको करना है। आप लोग सोच रहे हो कि होमवर्क नहीं करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। होमवर्क सबको करना पड़ेगा, इट इज मस्ट फॉर एवरीवन। जितना होमवर्क करोगे कंप्लीट उतना ज्यादा आपका फिजिक्स में मार्क्स लाने का क्राइटेरिया बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा आप होमवर्क करोगे। कृपल गामित हैज आल्सो जॉइंड, मयूर, चलो ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं है आपको, है ना? हम चलते हैं नए टॉपिक पे। लेट्स मूव ऑन टू द न्यू। सो कल हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात कर रहे थे और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आज हम डिटेल में देख लेंगे एक बार और फिर हम आगे चलते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? देखो, सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड निकालो। लेफ्ट हैंड में आपकी तीन फिंगर्स है, वन इज योर इंडेक्स फिंगर, अनदर इज योर मिडल फिंगर एंड वन इज योर थंब। ठीक है? सो जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट, इंडेक्स फिंगर विल रिप्रेजेंट योर मैग्नेटिक फील्ड एंड योर थंब विल रिप्रेजेंट योर फोर्स। अब इसको याद कैसे रखना है? देखो, इसको याद रखने का क्या तरीका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ई ले लो, मैग्नेटिक फील्ड का एम ले लो और फोर्स का एफ ले लो। सो दिस इज फॉर्मिंग ई एम एफ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यू कैन सी दैट इट इज फॉर्मिंग ई एम एफ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको याद रखने का तरीका ये है, आपको ई एम एफ हमने बहुत पढ़ लिया ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो सब लोग फैमिलियर हो ईएमएफ वाले टर्म से। सो ईएमएफ से इसको आप याद रख सकते हो। कई लोग भूल जाते हैं, कई लोग यहाँ पे करंट ले लेते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, तो ऐसी आपकी कोई मिस्टेक नहीं हो एग्जाम में, तो इसको ऐसे याद रखोगे, ईएमएफ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स। ठीक है? तो ये आपको शॉर्टकट बता दिया है, FBI से भी याद कर सकते हैं। अच्छा, FBI से भी कर लो। फोर्स, F का फोर्स हो गया, B का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, I से करंट हो गया। वेरी गुड, जैसे आपको अच्छा लगे। आप EMF से भी याद कर सकते हो, आप FBI से भी याद कर सकते हो, जो मेथड आपको सूटेबल लगता हो। तनुश्री जोशी हैज आल्सो जॉइन, लेकिन एग्जाम में आपको ये करेक्टली याद होना चाहिए, तभी आप इसको क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाओगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है? तनुश्री जोशी हैज आल्सो जॉइंड। ओके, सो ये आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हो गया। अब देखो, वही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। आप मिडल फिंगर को इससे बताओगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड बताओगे, इसको फोर्स बताओगे, तो वही थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है। योर सेंट्रल फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग योर करंट, मिडिल फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग योर मैग्नेटिक फील्ड एंड योर फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय योर थंब। ठीक है? ये कहानी आपको खुद बनानी आती है, इतना आप खुद बना सकते हो।
अच्छा टिप भी देख लो, वही टिप है, देखो मैंने आपको पहले ही बता दी, ईएमएफ वाली टिप है। ई से इलेक्ट्रिक करंट, एम से मैग्नेटिक फील्ड, एफ से फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप एफबीआई से लर्न करते हो इसको, तो एफबीआई इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ईएमएफ से लर्न करते हो तो ईएमएफ इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन का ध्यान रखना, कई बच्चे ऐसा करेंगे एफबीआई याद कर लेंगे, अब ये नहीं पता कि वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, फिर वहां पे मिस्टेक कर जाओगे। तो एफबीआई से अगर याद रख रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को भी याद रखो, ईएमएफ से याद रख रहे हो तो ईएमएफ से डायरेक्शन को भी याद रखो एंटी क्लॉकवाइज। चलो अभी तक हमने जो कहानी देखी थी वो ये थी कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती थी या तो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो भी पार्ट हमने अभी तक पढ़ा है, वहां पे सारी बातें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की करते थे, और मैग्नेटिक फील्ड वाला जो भी पार्ट हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम सारी बातें मैग्नेटिक फील्ड की अभी तक कर रहे थे। हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर निकाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर निकाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड निकाला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइड निकाला। तो इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड्स की हमने बातें करी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी बातें करी। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन कर रहे हैं। नाउ वी आर कंबाइनिंग बोथ द इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स, है ना। सो व्हेन अ चार्ज मूव्स विद अ वेलोसिटी वी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कोई चार्ज मूव करता है ना, किसी रीजन में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी, और उस रीजन में बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो दोनों फील्ड की वजह से लगेगा, विच इज ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस फोर्स इज नोन एज योर लॉरेंट्स फोर्स। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉरेंट्स फोर्स, सो यू हैव टू राइट डाउन दैट व्हेन अ चार्ज मूव्स विद अ वेलोसिटी वी इन अ रीजन वेयर बोथ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग ऑन इट, देन द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज नोन एज लॉरेंट्स फोर्स। तो हमने क्या किया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता था ये तो हमें पता ही है, QE, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी फोर्स हमने कल की क्लास में पढ़ा था, Q इंटू वी क्रॉस बी। अब हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये आपका हो गया लॉरेंट्स फोर्स। लॉरेंट्स फोर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज योर मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। सो जब आपका चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में मूव कर रहा होगा, तब उस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज योर लॉरेंट्स फोर्स। ऑल ऑफ यू क्लियर विथ दिस पॉइंट? यस, लॉरेंट्स फोर्स सबको क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। चलो आ जाओ, अब हम देख रहे हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये आपका कोई कंडक्टर है, सपोज करो दिस इज योर कंडक्टर, और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड, देखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है ना। इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट विल हैपन? सपोज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज ए एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है ये? थीटा। आपने कंडक्टर को इस तरह से रखा, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट, एंड दिस इज द एलिमेंटल लेंथ विच इज डीएल। यू कैन सी दैट हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ होगी? इलेक्ट्रॉन की। इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन देन करंट विल बी ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
हमने पढ़ा था ना, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती थी और करंट की डायरेक्शन आपकी ऐसे होती थी, है ना? करंट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना? दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। टीशा फ्रॉम पीपी सवानी हैज ऑल्सो ज्वाइन। नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या वहां पे? बहुत लोग देर देर से आ रहे हो। ओके, कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, और जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हमने देखा वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसमें करंट कहाँ पे फ्लो करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, करंट डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द ड्रिफ्ट स्पीड, और यू कैन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। ठीक है, इस पे हम काफी डिटेल में पढ़ चुके पहले। अब फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? फोर्स की डायरेक्शन आप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल सब लोग लगाओगे। अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, सब लोग अपना लेफ्ट हैंड निकालो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कहाँ होगी, टुवर्ड्स योर राइट, तो अपने इंडेक्स फिंगर को राइट साइड ले जाओगे। करंट की डायरेक्शन को अलोंग द कंडक्टर ले जाओगे, तो देखोगे उस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। योर थंब विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ऑल ऑफ यू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑन दिस कंडक्टर। करंट की डायरेक्शन में अपनी मिडल फिंगर को ले जाओगे, इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाओगे, तो देखोगे आपका जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा, मतलब आपका फोर्स आएगा अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज योर इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर को इधर ले जाओगे, मिडल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में ले जाओगे, तो देखोगे आपका जो थंब है वो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। दर्शनिका गामित हैज ऑल्सो ज्वाइंट। ये सबको समझ आ गया? वेरी गुड। चलो तो हमें डायरेक्शन भी निकालना आ गया, इस कंडक्टर में कैसे हमने फ्लेमिंग्स रूल अप्लाई करना ये हमें पता चल गया। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू वी क्रॉस बी। ये हमने फोर्स का इक्वेशन पढ़ा हुआ है, तो वही सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखो नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो मैंने माइनस ई पुट किया, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। अब वेलोसिटी कौन सी है? ड्रिफ्ट स्पीड, क्योंकि ड्रिफ्ट स्पीड से ही जो है इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ता है। हमने कंडक्टर में बात करी थी कि कंडक्टर में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो हमेशा ड्रिफ्ट स्पीड से होता है। ठीक है, तो सपोज करो एन बी द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल वही कहानी जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एन क्या होता था आपका पहले? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, स्मॉल एन है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करा तो मेरे को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, तो इस छोटे से एलिमेंट की वॉल्यूम कितनी होगी? ए टाइम्स डीएल। इस छोटे से एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, ये जो ग्रीन पार्ट हाइलाइटेड है, तो ये ग्रीन पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसका लेंथ, एलिमेंटल लेंथ डीएल है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए टाइम्स डीएल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम, सो यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मैंने वही कंसेप्ट यहां पे लगाया, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन डीएल लेंथ। अब इस छोटी सी लेंथ में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इस छोटी सी डीएल लेंथ में देर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
इस छोटी सी डीएल लेंथ में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबका अगर मुझे फोर्स निकालना है तो उन सबका जो कंबाइंड फोर्स होगा वो कितना होगा? दैट विल बी, अब इसको मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एन टाइम्स एडीएल, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यू विल गेट द टोटल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट। इतने से एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन सबका टोटल फोर्स मुझे पता चल गया, ठीक है? तो इसको आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट माइनस एन टाइम्स ई ए वी डी डी एल क्रॉस बी, है ना? अब ये देखो ध्यान से, एन ई ए वी डी को हम क्या बोलते थे? करंट। ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं, एन टाइम्स ई टाइम्स ए टाइम्स ड्रिफ्ट स्पीड इज नोन एज करंट। सो आपकी फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? आई टाइम्स डी एल क्रॉस बी। बड़े ध्यान से देख लो इसको, ऑल ऑफ यू ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली। हाँ, करंट क्या होता था आपका? एन ई ए वी डी। तो हमने क्या किया, एन ई ए वी डी की जगह पे करंट सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपका फोर्स कितना आ गया? आई टाइम्स डी एल क्रॉस बी। दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट द डायरेक्शन ऑफ डीएल इज ऑपोजिट दैट ऑफ वीडी, है ना? जो डीएल का आपका डायरेक्शन है, डीएल का डायरेक्शन देखो कहाँ है, डीएल वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, डीएल वेक्टर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वीडी वेक्टर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों का वेक्टर्स ऑपोजिट है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस आपको नेट फोर्स निकालना है, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे सो यू विल गेट दिस रिजल्ट, एफ इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द फोर्स, एफ इज इक्वल टू करंट इंटू एल क्रॉस बी। दिस इज द लेंथ वेक्टर, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट द फोर्स इन अ कंडक्टर ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे आपको पूछे जाएंगे। हाँ, एल क्रॉस बी आप करोगे तो यू विल गेट एल बी साइन थीटा, है ना? वेरी गुड केशवी, वेरी करेक्ट। एल क्रॉस बी जब आप करोगे तो यू विल गेट एल बी साइन थीटा। अब वो तो आप जानते ही हो, इतने समझदार हो गए हो कि आपको इसको कैसे एक्सपांड करना है, दैट यू विल डू एफ इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। चलो अब हम वही वाला इक्वेशन लगाएंगे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बिटवीन टू पैरेलली इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स। अब दो वायर्स है आपके पास, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स, है ना? अब हमें फोर्स का इक्वेशन भी पता चल गया, तो हम इस फोर्स के इक्वेशन को यूज करेंगे और निकालेंगे कि दोनों वायर्स पे कितना फोर्स लग रहा है ना? वी हैव टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स, सो वी विल कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू दीज टू वायर्स। सो देखो, पहली वायर में करंट आपका आई वन है, दूसरी वायर में करंट आपका आई टू है ना? अब मुझे ये बताओ, हमने इनफाइनाइट वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्टडी कर लिया है ना, तो बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती थी, बताओ? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर? दिस पार्ट वी हैव स्टडीड, मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर।
वेरी गुड, इसलिए मैंने आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट सारा कवर कराया है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको एक बार निकालनी आ जाए तो फिर फोर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि फोर्स के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही पता होनी चाहिए, है ना। इनफाइनाइट वायर की वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। इसलिए हमने जो फोर्स वाला सेक्शन है बाद में पढ़ा और मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट हमने पहले कवर कर लिया। चलो तो अब हम फोर्स निकालेंगे ड्यू टू दिस वायर वन ऑन दिस वायर टू। तो देखो दोनों के बीच का आपको गैप दिया हुआ है स्मॉल आर। अब देखो फर्स्ट वायर की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे विच इज ऑलवेज इन इनटू द प्लेन, है ना। फर्स्ट वायर की वजह से सेकेंड वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी B1, B1 इज ऑलवेज इनटू द प्लेन, है ना। तो B1 इनटू द प्लेन है और आपका करंट, देखो पहले हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चली कि इस पॉइंट पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनटू द प्लेन है। अब हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे ऑन दिस वायर टू, तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ तो मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर की तरफ जा रही है, करंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स देखो कहां पे आएगा, फोर्स विल बी ऑलवेज इन लेफ्ट साइड, है ना। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू वायर वन। F21 इज द फोर्स ऑन वायर टू ड्यू टू वायर वन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेटा इरेज कर दो। अनिरुद्ध ठीक है, फर्स्ट वी हैव अप्लाइड राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चली, फिर हमने फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाया और फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से हमें फोर्स का डायरेक्शन पता चला, ठीक है। वैसे ही सेम हम यहां पे भी लगाएंगे, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है देखो आप सबको पता है, फोर्स इज इक्वल टू ILB sin थीटा। यू कैन सी दैट द एंगल बिटवीन L एंड B इज 90 डिग्री। दिस इज योर L वेक्टर, दिस इज योर B वेक्टर, B वेक्टर इज इनटू द प्लेन, एंगल बिटवीन L एंड B इज 90 डिग्री, सो यू कैन राइट लाइक दिस ILB sin थीटा। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन विच इज इक्वल टू, करंट कितना है देखो सेकेंड वायर में करंट कितना है I2, तो सेकेंड वायर का करंट लिखोगे I2, सेकेंड वायर की लेंथ L, सेकेंड वायर पे मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से लगेगी, फर्स्ट वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, तो फर्स्ट वाले की मैग्नेटिक फील्ड हमने पहले ही निकाल ली है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। सो यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर। इफ यू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स म्यू I2 इंटू L इंटू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर साइन 90 इज 1। सो यू विल गेट F21 इज इक्वल टू, देखो बिल्कुल सेम इक्वेशन आपको मिलेगा, I1, I2, L into mu naught upon 2 pi r. This is the value of force on wire 2 due to wire 1. Force on wire 2 due to wire 1. ठीक है, सेकेंड वायर पे हमने फोर्स निकाला फर्स्ट वायर की वजह से। अब हम फर्स्ट वायर पे फोर्स निकालेंगे सेकेंड वायर की वजह से, तो फर्स्ट वायर पे कितना फोर्स होगा, है ना। वेरी गुड, फर्स्ट वायर पे कितना फोर्स होगा देखो, तो फर्स्ट वायर पे देखो अब आप सेकेंड वायर को राइट हैंड थंब रूल लगाओ, तो सेकेंड वायर पे जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर पे बाहर की तरफ आएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस फर्स्ट वायर
इज आउट ऑफ द प्लेन, है ना. सो मैग्नेटिक फील्ड ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर इज आउट ऑफ द प्लेन. अगेन यू विल अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑन फर्स्ट वायर. तो देखो फोर्स की डायरेक्शन कहां आएगी, राइट साइड. अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यू विल सी दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन राइट साइड डायरेक्शन. ठीक है, अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका. तो मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो फोर्स ऑन वायर वन ड्यू टू वायर टू विच इज इक्वल टू करंट इन वायर वन इंटू लेंथ ऑफ वायर वन इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर टू इंटू साइन 90 इज वन. सो यू विल गेट I1 into L. What is the value of magnetic field B2? B2 का value क्या होगा, देखो mu not I2 upon 2 pi R. You will substitute here mu not I2 upon 2 pi R into length, है ना, into 1. So देखो जब आप इसको substitute करोगे you will get the same result. I1, I2, mu naught L upon 2 pi R. You will get the same force. F12 is equal to F21. So, दोनों wires पे same force लग रहा है, but दोनों की direction opposite है. On both the wires, the magnitude of the force is the same, but the direction of the force is different. Or you can say opposite. ठीक है? So, in this way, you can apply both the laws, right hand thumb rule as well as Fleming's left hand rule to calculate the force on wire. So, हमेशा एक बात याद रखो, magnetic field निकालने के लिए, magnetic field की direction निकालने के लिए हमेशा आप right hand thumb rule लगाओगे और force की direction निकालने के लिए आप हमेशा Fleming's का left hand rule लगाओगे. ठीक है, दोनों के बीच का difference आपको पता होना चाहिए. कब मुझे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, कब मुझे राइट हैंड रूल लगाना है. अच्छा, बोर्ड क्लीन कर देता हूं मैं. आई एम क्लीनिंग द बोर्ड. ये अनिरुद्ध, अनिरुद्ध बेटा इसको इरेज कर दो. ये जो आप लोगों ने किया है वो आपको ही क्लीन करना पड़ेगा. आपकी तरफ से जो हुआ है वो आपको क्लीन करना पड़ेगा. नहीं हो रहा है तो बेटा अगली बार से ध्यान रखना, इसको ऐसे ड्रॉ मत किया करो. मैंने आपको पहले ही बोला है, जब नहीं होता तो फिर मत ड्रॉ किया करो. अब वो परमानेंट हो गया. देखो ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया कि हमने फोर्स कैसे निकाला. बोर्ड्स में ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है और इसका प्रूफ भी पूछते हैं वो लोग. बोर्ड्स में आपको इसका प्रूफ आएगा, वो लोग बोलेंगे डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स. तो आपको इसको डिराइव करके बताना पड़ेगा. और जो आपके दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसमें वो लोग इस पे न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछते हैं, है ना. तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दूसरे एग्जाम्स में पूछा जाएगा और बोर्ड एग्जाम्स में इसका डेरिवेशन भी वो लोग पूछते हैं. तो आपको इसका डेरिवेशन पूरा आना चाहिए. दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, डेरिवेशन इसका आ जाता है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आ जाता है या तो 5 मार्क्स में भी आ जाता है. वो डिपेंड करता है, 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, है ना. लेकिन आपको आना चाहिए. अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो आप इसको डिराइव कर सकते हो वेरी सिंपली. मतलब 3 मार्क्स में इस तरह से पूछ सकते हैं कि वो लोग ऐसा भी बना सकते हैं जैसे 5 मार्क्स में 2 पार्ट कर दिए, 3+2 कर दिया, है ना. इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं. 3 मार्क्स का डेरिवेशन पूछ लिया, 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल पूछ लिया, है ना.
तो 5 मार्क्स में वो लोग 3+2 भी कर सकते हैं, उन पे डिपेंड करता है कि वो पेपर कैसे डिजाइन कर रहे हैं। तो 5 मार्क्स में 3+2 करके भी आपका आ सकता है ना। 3 मार्क्स में कुछ और पूछ लिया, 2 मार्क्स में इसी का एक न्यूमेरिकल दे दिया, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। चलो तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं। चलो अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, है ना, इन व्हेन बोथ द वायर्स द इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन देन वी कैन सी दैट फोर्सेस आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब दोनों वायर्स पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, मतलब वो दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही, बोथ द वायर्स आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। अब एक वायर में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दूसरी वायर में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अब आप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगा के देख लो, तो इस वायर पे जो फोर्स आएगा वो लेफ्ट साइड आएगा और इस वायर पे फोर्स आएगा वो राइट साइड आएगा। इसका मतलब दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल कर रही। सो व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन बोथ द वायर्स विल रिपेल ईच अदर एंड व्हेन द करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन Both the wires will attract each other. ठीक है, this is the main concept or main fundamental point which you should know, and this you will get by Fleming's left hand rule. Always apply Fleming's left hand rule for the calculation of direction of force. ठीक है, एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब लेट अस ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन दिस।